यदि आप भी कतर के खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, सबसे आज ब्रेकिंग अपडेट जो कतर से आ रही है वो दोस्तों है वर्कर को लेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अब जितने भी कंपनी में आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे पहले, तो यदि दोस्तों वहाँ पर 100 वर्कर यदि आप पहले काम करता था तो वहाँ पे कतर गवर्नमेंट ने कहा है आप उसे घटाकर 50 वर्कर ही वहाँ पे आप काम करवाया जाएगा। और काम कराने का जो टाइम होता था जैसे पहले था 10 घंटा, तो दोस्तों अब वहाँ पे कराया जाएगा 5 घंटा, मतलब 5 घंटा 50 वर्कर को, फिर जो 50 वर्कर जो बचा 5 घंटा उस वर्कर से कराया जाएगा। सब में डिस्टेंस रखा जाएगा, सब में काम पहले से बहुत ही कम करवाया जाएगा, पर सैलरी जितनी आपको मिल रही थी सैलरी सभी को उतना ही मिलेगी। दोस्तों दूसरी जो अपडेट ये है कि वहाँ पर जो भी कतर में वहाँ पर जो काम करते थे वर्कर, तो पहले क्या होता दोस्तों, बस में यदि आप लोग आते थे तो पहले माले 100 लोगों का सीट होता था, तो 100 लोग वहाँ पे बैठ के आते थे बस में। तो अब क्या होगा, यदि 100 लोगों का सीट है तो उसे घटाकर 50 लोग कर दिया जाएगा, मतलब एक सीट में एक ही लोग बैठेंगे। मतलब एक सीट में पहले क्या था, 2 लोग बैठते थे, तो अब 2 लोग नहीं बैठकर सिर्फ 1 लोग बैठेंगे। मतलब बहुत ही आराम से आप कंपनी आ पाएंगे, आपको कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों और तीसरी जो कतर से अपडेट आ रही है वो आ रही है वीज़ा को लेकर। तो दोस्तों बहुत सारे भाई लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मेरा वीज़ा यदि आ चुका है तो क्या मेरा और जो वायरस को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही, तो क्या वीज़ा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ दोस्तों, इसका प्रॉब्लम जैसे ही सॉर्ट आउट होता है आपका वीज़ा, आपका जो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीज़ा आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा और ये प्रॉब्लम के बाद आपको कतर बुला लिया जाएगा। यदि आप आना चाहेंगे तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं आकर। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं वहाँ के जो अभी संक्रमित जितने लोग अभी हुए हैं तो अब उसकी क्या अभी डेटा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कतर में अभी टोटल 3,711 केस अभी टोटल आ चुके हैं, जिनमें से 7 लोग को डेथ हो चुकी है और रिकवर उसमें दोस्तों 406 लोगों को अभी तक वहाँ पर रिकवर किया जा चुका है। तो दोस्तों अच्छी खबर भी है क्योंकि वहाँ 4 से 6 लोगों को वहाँ रिकवर भी किया जा सका है, और पर केस दोस्तों वहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी जो कतर से आ रही, तो मैंने सोचा आप तक शेयर करूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना और अपने ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।